के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एमएलए हो तो ऐसा में बादशाहपुर के टॉप 16 में से बचे हुए 8 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि इनमें से किससे कितने नंबर मिल पाए हैं। पूजा सिंह, इनका 10 पैमानों पर जो अंक है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा सिंह एकमात्र महिला उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया टॉप 16 यानी सुपर 16 तक पहुंची 56 अंकों के साथ। 10 पैमाने, लिंग, आयु, शिक्षा, हलके में निवास, वाहन लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, इन्हीं के अंक दिखा रहे हैं। छवि और साख के अंक बाद में बताएंगे। मान सिंह सुपर 16 तक ये भी आ पहुंचे हैं। 10 मापदंडों पर इन अंकों के साथ जिनका कुल योग होता है 62 अंकों का। अच्छा प्रदर्शन मानसिंह का। मानसिंह का स्कोर 10 पैमानों पर 62 अंक लिए। महेश कुमार 10 पैमानों पर हासिल अंक हम आपको दिखा रहे हैं महेश कुमार के। बासठ अंक महेश कुमार ने भी लिए। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड देखिए। पहली स्क्रीनिंग के आधार पर 10 मापदंडों का योग, महेश कुमार 62 अंक। लखपत कटारिया 10 पैमानों पर हासिल अंक हम आपको दिखा रहे हैं। लखपत कटारिया को मिले हैं 58 अंक। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड 10 मापदंडों के आधार पर आपके सामने। लखपत कटारिया 10 पैमाने पर इन्होंने लिए 58 अंक। कमल यादव 10 पैमानों पर हासिल अंक हम आपको दिखा रहे हैं। कुल अंक इनके 64 होते हैं 10 पैमानों पर। कमल यादव का और भी अच्छा प्रदर्शन, केवल 10 पैमाने के ही अंक अभी दिखा रहे हैं, 64 अंक बटोर लिए हैं कमल यादव ने इन सभी 10 मापदंडों पर। भाई राजेश, इनके अंक देखिए। 10 पैमानों पर हासिल अंक हैं ये। बिल्कुल 10 पैमानों पर हासिल अंक आपके सामने और जिसका कुल योग होता है 53 अंकों का। भाई राजेश का स्कोर कार्ड एक बार फिर आप देख सकते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेगराज यादव, बेगराज यादव का स्कोर 10 पैमानों पर 65 अंक हैं बेगराज यादव के। टॉप 16 में जगह बनाई है। अतर सिंह संधू 10 पैमानों पर हासिल अंक हम आपको दिखाते हैं। 58 अंक हासिल किए हैं अतर सिंह संधू ने। और अब वक्त हो चला है 11वें यानी छवि और साख से जुड़े पहलू को परखने का, जो आधारित है उम्मीदवारों के हलके बादशाहपुर से आए फीडबैक पर, जिसके लिए 20 अंक अलग से तय किए गए हैं। अनिल जी, आपकी क्या राय है इस फीडबैक को लेकर? अनामिका, जो हमारा 11वां पैमाना है छवि और साख, वो सबसे अहम है। अहम इसलिए नहीं कि उसके 20 अंक हैं 100 में से, जी, अहम इसलिए भी कि आपके मतदाता आपके ऊपर कितना भरोसा रखते हैं, आपके मतदाताओं को आपके ऊपर कितना विश्वास है कि आप उनके क्षेत्र की किस्मत बदल सकते हैं, आप उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत है, उनको आप मुहैया करा सकते हैं, आप उनके क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं उनका समाधान दे सकते हैं, आप उनको सुरक्षा दे सकते हैं, आप उनको बिजली, पानी, शिक्षा
ये तमाम चीजें आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं जी। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के। आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये सब चीजें, ये सब बातें अगर किसी व्यक्ति में है तो उस क्षेत्र का मतदाता उसके ऊपर भरोसा रखता है जी। ये जो हमारा मापदंड है, ये मापदंड किसी भी प्रतिभागी के बारे में एक बड़ी स्पष्ट तस्वीर देता है कि उस क्षेत्र के लोग उसके ऊपर कितना भरोसा रखते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस जो टॉप 20, ये जो 20 अंकों का मापदंड है छवि और साख, इसमें जिसको जितने अंक मिले हैं वो आगे आने वाला जो मतदान का दिन है जी, उसको बड़ा रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपकी छवि अच्छी है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपकी बात को मानते हैं, स्वीकारते हैं कि हाँ आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है जी, तो वो मतदान तक भी पहुँचेंगे, आपके पक्ष में मतदान करने पहुँचेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ। तो ये जो फीडबैक है, इस फीडबैक को कलेक्ट करने के लिए हमारी टीम, सर्वे टीम मार्केट में जाती है, उस क्षेत्र के इलाके में जाती है, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, और एक व्यक्ति के बारे में 50 लोगों से जानकारी लेती है, पूछती है कि आपकी राय क्या है इस कैंडिडेट के बारे में, छवि और साख कैसी है। वो 50, एक व्यक्ति के बारे में 50 लोगों से जानकारी लेकर सील बंद डब्बे में डलवाया जाता है, जो फिर चैनल तक वापस पहुंचता है जी। तो चलिए अब जानते हैं किस उम्मीदवार को कितने मार्क्स मिले हैं छवि और साख के मापदंड के आधार पर, जो हमारे पास सील बंद लिफाफे में है। लेकिन अनिल जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि ये पूरी प्रक्रिया दर्शकों को बताएं। मनीष, एक व्यक्ति के बारे में 50 लोगों से जानना, पूछना और उन सबको लाइव काउंट करना संभव नहीं है। 18 लोगों ने हमको अप्लाई किया बादशाहपुर से, 900 फीडबैक हमारे पास थे फॉर्म, उन 900 की 900 को हम चैनल पर लाइव दिखा सकें वो संभव ही नहीं है। इसके लिए चैनल एक अलग से गोपनीय टीम बनाई हुई है, वो गोपनीय टीम को सील बंद जो बॉक्स है वो दिया जाता है, दर्शक देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सील बंद डब्बा खोला जाता है, उसमें से फॉर्म निकाले जाते हैं और उनको फिर काउंट किया जाता है। 50 में से टॉप 20 का औसत निकाल के अलग से एक लिफाफे में आपको पैक करके रिजल्ट दिया जाता है कि किस व्यक्ति को कितने अंक मिले, जो आप दर्शकों के सामने चैनल पर लाइव खोलते हैं कि छवि और साख में इस व्यक्ति को इतने अंक मिले जी। और ये एनवेलप हमारे पास अभी है, तो क्यों ना हम अंक देखना शुरू करें, एक एक कर लिफाफे खोल रहे हैं। सबसे पहला एनवेलप जो है रमन शर्मा का, देखते हैं इन्होंने छवि और साख में कितने अंक लिए हैं। रमन शर्मा, अंक बताएं। रमन शर्मा का स्कोर बेहद ही निराशाजनक रहा है छवि और साख के पैमाने पर। रमन शर्मा को सिर्फ 3 अंक मिले हैं, महज 3 अंक। लोगों ने विश्वास नहीं जताया है रमन शर्मा में, ये 3 अंक दस पैमानों पर अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन। अतर सिंह संधु, अच्छा प्रदर्शन नहीं है इनका भी, सिर्फ 6 अंक दिए हैं लोगों ने, इलाके की जनता ने इनकी छवि और साख के आधार पर इन्हें। और ये एनवेलप है सुल्तान सिंह चावड़िया का, इनके अंक भी कुछ खास नहीं है, ये भी इनका भी ठीक ठाक अंक नहीं है, 6 अंक हासिल कर सके हैं सुल्तान सिंह चावड़िया। लखपत कटारिया के अंक देखते हैं। लखपत कटारिया के अंक देख लेते हैं, इनका ठीक है, जिस हिसाब से अभी तक लिफाफे खुले उसके हिसाब से लखपत कटारिया को 11 अंक इलाके की जनता ने दिए हैं। छवि और साख के अंक हम देख रहे हैं 11वां पैमाना पहली स्क्रीनिंग में, जिसके अंक पहले नहीं बताए थे अब बता रहे हैं। पूजा सिंह 8 अंक ले सकी हैं, कोताही बरती है यहाँ पर इलाके की जनता ने, बहुत सतर्कता के साथ वोटिंग की है जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए। और ये सुरेंद्र डागर का स्कोर अब हम देखने जा रहे हैं छवि और साख के आधार पर। सुरेंद्र डागर का स्कोर यहाँ पे 6 है, 6 अंकों के साथ सुरेंद्र डागर भी ठीक ठाक प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं रहे हैं। महेश कुमार एक और कैंडिडेट उम्मीदवार जिनको सिर्फ 3 अंक मिले हैं, 3-6 का आंकड़ा यहाँ पे हम बार बार देख रहे हैं। सुनील यादव को सिर्फ 4 अंक मिले हैं। ये एनवेलप है ऋषि राज राणा का, इनका स्कोर देखते हैं क्या ये पहुँचेंगे जूरी राउंड तक। ऋषि राज राणा को ठीक ठाक मिला है समर्थन, इलाके की जनता ने इन्हें 13 अंक दे दिए हैं, तो इस हिसाब से अब तक का बेहतर प्रदर्शन जितने भी लिफाफे खोले हमने। राकेश दौलताबाद, जबरदस्त स्कोर किया है इन्होंने। राकेश दौलताबाद 18 अंक दिए हैं, जहां 3, 4, 6, 7, 8 का आंकड़ा है वहां पर राकेश दौलताबाद को 18 अंक इस अहम पैमाने पर। संजय प्रधान के अंक बताएं।
संजय प्रधान का भी स्कोर बिलो एवरेज है, 9 अंक हासिल किए हैं। और ये लिफाफा भाई राजेश का, देखते हैं इन्होंने कितने अंक लिए हैं। भाई राजेश को 7 अंक मिले हैं। बहुत ही कोताही बरती है जनता ने, अंक नहीं दिए हैं, वोटिंग नहीं की है। बेगराज यादव को ठीक ठाक, अब जिस तरीके की वोटिंग हुई है, जैसे मार्क्स नंबर आए हैं, उस हिसाब से इनका ठीक कहा जाएगा। 12 अंक लिए हैं बेगराज यादव ने। मान सिंह के अंक देख लेते हैं। मान सिंह को सिर्फ 4 अंक मिले हैं। छवि और साख के अंक हम आपको बता रहे हैं। 11वां पैमाना सबसे अहम पैमाना, जिसके लिए अलग से 20 अंक तय किए गए। राजू यादव को 7 अंक मिले हैं। ये आखिरी एनवेलप कमल यादव का, देखते हैं क्या ये पहुंचेंगे जूरी राउंड में। कमल यादव, इनका भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं है इस 11वें पैमाने पर, 9 अंक हासिल किए हैं कमल यादव ने। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे कि छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद वो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है।